जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का दिनेश सराय टीम में एक बार बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग पता है, हम जब भी आते हैं कोई नई जानकारी नई अपडेट के साथ आते हैं। अब देखिए, मध्य प्रदेश की हम यहाँ पर भर्ती लेकर आ चुके हैं और ये आपकी भर्ती रहने वाली खाद्य विभाग आपूर्ति, ठीक है ना, यानी जो खाद्य विभाग होता है मध्य प्रदेश का, उसमें भर्ती जारी होनी है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर 4 जुलाई को यहाँ पर जारी किया गया था, ठीक है ना, और आप इसका आदेश क्रमांक पर देख सकते हैं। ठीक है, हम जो भी जानकारी देते हैं फुल नोटिफिकेशन फुल प्रूफ के साथ जानकारी देते हैं। और इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप लोगों से हमारा निवेदन है बेल आइकन कर लीजिए क्लिक और हमारे यूट्यूब चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आप सभी लोग को इस तरह की इन्फॉर्मेशन या जानकारी वो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहे। तो चलिए हम बात कर ले, देखिए यहाँ पर जो टोटल यहाँ पर पद निकाले गए हैं वो 31 पदों पर यहाँ पर भर्ती होनी है, ठीक है ना, और ये भर्ती होनी है एमपी ऑनलाइन के माध्यम से, यानी आपको एमपी ऑनलाइन पर फॉर्म भरना होगा, वहीं से आपको यहाँ पर भर्ती होनी है, ठीक है ना। वो भी हम बताएं कब आपका फॉर्म भराने वाला है और किस तरह आपका एग्जाम होने वाला है, किस तरह पूरा सिलेक्शन होने वाला है, पूरी इस वीडियो को स्किप ना कर वीडियो पूरा देखें, ताकि आप लोग सभी लोगों को हिंदी में स्पष्ट जानकारी मिल सके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 31 पोस्ट यहाँ पर निकाले गए, ठीक है। कौन कौन से पद हैं, तो ओपन के यहाँ पर 20 पद हैं और जो महिला आरक्षित सीट है उनके यहाँ पर 11 पोस्ट निकाले गए, ठीक है। इसके पश्चात अब यहाँ पर देखो, इसमें जो आयु है, ठीक है ना, मैं बता देता हूँ, मैक्सिमम यहाँ पर 65 वर्ष बता दिया उन्होंने आयु, ठीक है ना। और इसमें जो आपका पद रहने वाला है वो रहेगा सदस्य का पद रहेगा, किसका रहेगा, सदस्य का इसमें पद आपका रहने वाला है, ठीक है ना, और ये जिला जिला के अंदर आपकी भर्ती होनी है। अब दूसरी बात, यहाँ पर जो आवेदन है, तो जो आवेदन की लास्ट डेट रहने वाली वो रहेगी 17 जुलाई, यानी आप लोगों को 17 जुलाई से यहाँ पर जो आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे आपके, और जो अंतिम तिथि है यानी कब तक फॉर्म भराने हैं, तो वह रहेगी 17 अगस्त तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखो आप, जिला इसमें जो जो पद रहेगा सदस्य का, उसमें क्या क्या आपकी चाहिए पड़ेगी योग्यता, तो जो कम से कम 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए, ठीक है ना, कम से कम बता रहे, कम से कम 35 वर्ष, ठीक है ना, वो हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास योग्यता क्या चाहिए, तो आपने बीए बीएससी एमकॉम किया हो स्नातक से, ठीक है ना, स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएशन किया आप लोगों ने, ठीक है ना, स्नातक, तो आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे, ठीक है, इसमें मैंने चीज बता दी। दूसरी बात, इसमें क्या होना चाहिए, तो क्षमतावान सत्यनिष्ठापूर्ण प्रतिष्ठित व्यक्ति, ये उनके गुण, उसके अंदर गुण इसमें होना चाहिए, ठीक है, तो ये उसका रहने वाला है। नेक्स्ट पद रहेगा, और आपके पास यदि अनुभव भी है तो आप लोग इसमें कम से कम कर सकते हैं, अनुभव है तो आप लोग इसमें मतलब प्राथमिकता मिलने वाली थी सिलेक्शन प्रोसेस में। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह बता दी मैंने, अब यहाँ पे क्या क्या होने वाले, इसमें आपके एग्जाम होने वाले हैं, 3 फेज में आपके एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखो कौन कौन से रहे, पहला पेपर आएगा जो 100 अंकों का रहने वाला है, 2 घंटे का रहेगा, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, ठीक है, सामाजिक घटनाएं, भारत के संविधान का ज्ञान, अनुच्छेद अनुच्छेद सूची, इसके संबंधित क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, उपभोक्ता संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने रंग रहेंगे, कितने अंकों करेंगे, तो 100 अंकों के रहने वाले हैं, 2 घंटे का एग्जाम होगा आपका, ये हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट पेपर हो जाएगा जिसका नाम है पेपर 2, ठीक है ना, क्या नाम है, पेपर 2, जिसमें आपका व्यापार वाणिज्य उपभोक्ता संबंधी इनकी मामलों से क्वेश्चन आएंगे, संबंधी विषय आएंगे, और विश्लेषण की क्षमता, जो आपके मन के विश्लेषण, आदेशों के ठोस प्रारूप, ये आपके इसमें आने वाले क्वेश्चन, ये भी आपके ये रहेंगे आपके वर्णनात्मक, यानी आपको वर्ण करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा वर्ण के रूप में। और पहले जो पेपर फर्स्ट उसमें आएंगे बस, यानी आपको ऑप्शन आएंगे 4, उसमें से आपको बताना 4 में से, ठीक है, और बाकी ये रहेगा वर्णनात्मक, ठीक है। सेकंड पेपर आपका ये भी रहेगा 100 अंकों का रहेगा, और ये रहेगा 3 घंटे का, यानी आपको लिखना पड़ेगा इसमें, वर्ण करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें पूरा विस्तार लिखना पड़ेगा। फिर इसके पश्चात ये हुई फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, अब थर्ड प्रोसेस में आपका होगा इंटरव्यू, क्या हो गया, साक्षात्कार, ठीक है। तो जो जो पहले वाला रहेगा 100 नंबर का रहेगा, दूसरा 100 नंबर का रहेगा। यदि मैं बात करूँ टोटल पेपर की, तीनों पेपर की, तो आपका 250 अंकों का ये रहने वाला तीनों पेपर, ठीक है, 100-100 का ये हो जाएगा। फिर 50 का आपका होने वाला है साक्षात्कार, यानी आपका इंटरव्यू में लिए जाने वाला, ठीक है ना, ये रहेंगे पूर्णांक 250। इन सभी में से आपको लेके आना पड़ेगा और आपको इसमें पास होना पड़ेगा, तब आपकी ये आपकी जॉब लगने वाली है, ठीक है ना। और बाकी आपके जो भत्ते भत्ते वो सब आपके नियम होंगे शासन के, वो मिलने वाले, ठीक है। इनकी वेबसाइट पे आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं, आपको ये PDF मिल जाएंगी, आपको सभी फॉर्म भरने की टोटल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और यह बताया जिला आयोग के जिनके 2 कार्यकाल पूर्ण हो चुके हैं, पे आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी जिन्होंने पढ़ लिया है और सदस्य रह चुके हैं उनके यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुल नोटिफिकेशन निकल कर आया, तो मैंने आपको बता दिया। और आप लोग यहाँ रखती है, यदि मैं बात करूँ तो प्रदेश के जिला उपभोग विवाद प्रतितोषण आयोग के सदस्य के रिक्त होने पद के संबंध में मध्य प्रदेश राज्य आयोग का यहाँ पर समय पर उपलब्ध कराई गई है, ठीक है। और बाकी आप आवेदन है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वेबसाइट पर, ठीक है। और पात्र मैंने बता दिया आपको क्या, आयु 35 वर्ष हो कम से कम, और स्नातक डिग्री, ठीक है, ये होनी चाहिए, बाकी चयन प्रक्रिया, आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो ये पूरा होने वाला आप लोग यहाँ पर देख लो और पूरा और लोग पढ़ लेना पूरा क्या क्या आपका होने वाला है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया, और इसकी जरिए हम पढ़ लेते हैं और भी जो इसके आवेदन है वो भी आप लोग देख सकते हैं इसके आवेदन।
और इसकी वेबसाइट, आप वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आज इसके जो आवेदन है वो एम पी ओला के माध्यम से भरा, यानी यहाँ पे इसका जो ऑटोमेटिक यहाँ पर जाएगा लिंक आ जाएगी 27 जुलाई से, तो आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। और बाकी और आपको आवेदन डाउनलोड करना है तो आपके इसके जाएँ खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता केंद्र पर जाएंगे, यहाँ पे आप लोग सभी के आपको जो आवेदन है वो यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए फिर मिलते हैं, ओके दोस्तों, थैंक्स।